तो दोस्तों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, क्वेश्चन नंबर थर्ड तक हमने कर लिया है। उसके पहले अगर आपने पहले क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो दोस्तों जाके पहले क्वेश्चन फटाफट देख ले, क्योंकि पहले क्वेश्चन देख लेंगे तो आपका एक्सरसाइज ये वर्ड प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज दोस्तों। तो पहले सबसे पहले जाके स्टार्टिंग की भी थ्री अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है एक बार हम ध्यान से देखते हैं। देयर इज अ ऑडिटोरियम विथ 27 रोज ऑफ सीट्स। There are 20 seats in the first row, 22 seats in the second row, and 24 seats in third row, and so on. Find the number of seats in the 15th row, and also find the how many seats are there in auditorium. मतलब auditorium में total seats कितना है, और 15th row पे find the number of seats in 15th row पे कितना seats है, वो निकालने के बाद हमें ये भी निकालना है कि total auditorium में seats कितने हैं दोस्तों। तो दोनों चीज़ हमें find करना है कि 15 रो में कितने सीट्स हैं और टोटल ऑडिटोरियम में टोटल सीट्स कितने हैं दोस्तों। ओके, तो सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है दोस्तों, जो डाटा दिया हुआ, गिवन डाटा दिया वो लिख लेता हूँ मैं। सबसे पहले दोस्तों हमें ये दिया हुआ है नंबर ऑफ सीट्स इन द फर्स्ट रो, नंबर ऑफ सीट्स इन द फर्स्ट रो दोस्तों कितना है उसको, जो स्टार्टिंग रो होता है हम उसको ए लेते हैं या टी वन लेते हैं। ए इक्वल टू क्या आ गया हमारा 20, देखो यहाँ लिखा हुआ था डायरेक्टली, देयर इज ऑडिटोरियम विथ 27 रोज ऑफ द सीट्स, देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो को हमने ए ले लिया। अब आगे दोस्तों हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीजेस by 2, number of seats increases by 2 in every row, मतलब हर रो में 2 सीट आप देखोगे। देखो दोस्तों यहाँ पहले रो में 20 था, बाद में 22 हो गया, 24 हो गया, मतलब number of seats increases 2 in every row, हर रो में 2 सीट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब जो इंक्रीमेंट है वो कॉन्स्टेंट है। therefore d equal to दोस्तों कितना हो जाएगा, d equal to कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, d equal to कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते दोस्तों, 26, 24 थर्ड रो, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स, हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों, नंबर ऑफ सीट्स इन 15 रो, तो हमें ये फाइंड करना है 15 रो में कितने सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स इन 15 रो, और दूसरा हमें टोटल ऑडिटोरियम में टोटल कितने रोज है, 27, तो हमें ये भी फाइंड करना है कि टोटल 27 रोज में कितने सीट्स हैं, तो हम उसके लिए समेशन करेंगे। ओनली एक रो का पूछा था कि 15 रो में कितना सीट्स है, तो उसके लिए ये वाला फार्मूला है, टोटल पूछा है, तो हम क्या करेंगे उसको सम वाला फार्मूला, सम ऑफ 27 रोज में कितने सीट्स है। तो दोस्तों स्टार्ट करता हूँ मैं, सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेंगे टी ऑफ एन, आपको फार्मूला पता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके दोस्तों, टी ऑफ 15, ए 20, फर्स्ट रो में कितना था 20 था, एन आपको पता है 15, ये 15 हो गया, ये भी क्या हो गया 15, माइनस वन डी, डिफरेंस दोस्तों जो सीट्स का डिफरेंस है वो कितना है 2 का। अब आगे हम बढ़ते हैं 20, 15 माइनस वन दोस्तों हो जाएगा हमारा 14 इंटू टू, तो 20 प्लस 14 इंटू टू कितना हो जाएगा 28। अब दोस्तों अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको ये प्लस है 28 प्लस 20, तो ये हो जाएगा हमारा 48, कितना आ जाएगा 48। तो 15th रो में टोटल दोस्तों कितने सीट्स हैं, टोटल सीट्स जो 15 रो में है टोटल 58, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स, तो नंबर ऑफ सीट्स इन 15 रो इज 48, कितना है 48, तो यहाँ आप लिख दो, इसी के साथ ही यहीं लिख दो, द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो इज 48, तो 15th रो में कितने सीट्स हैं, 48 सीट्स हैं। अब दोस्तों आगे हमें टोटल फाइंड करना है कि उस टोटल ऑडिटोरियम में टोटल सीट्स कितने हैं, तो हम सम वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, एस एन एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके दोस्तों, फार्मूला आपको फिर से मैंने लिख दिया, टोटल कितने रो है 27, तो 27 नंबर लिख दिया, 27 बाई टू 2a, फर्स्ट रो में कितना है 20, a मतलब फर्स्ट रो, n आपको पता है n 27 के टोटल रो कितने हैं 27 माइनस 1
डी कांस्टेंट इंक्रीमेंट कितना हो रहा था सीट्स का, टू का, डी मतलब कांस्टेंट इंक्रीमेंट कितना हो रहा टू का। अब दोस्तों सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, 27/2, 22 ज़ा 40, 27 - 1 26 2। ओके दोस्तों 27/2। ओके अब 40 + 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 1 5। ओके दोस्तों अब आगे 27/2, 40 40, 80 हो गया, 40 40 क्या हो गया 80, और 10 और बचा, 10 और 2, तो टोटल हो गया हमारा कितना हो गया 92। चलो ये 92, तो डायरेक्टली हम इसको ऐसे लिखेंगे 27 2 × 92। अब दोस्तों अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करता हूँ तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 ध्यान देना, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 2 6 ज़ा 12। तो दोस्तों हमारे पास आ गया टोटल 27 × 46। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलूंगा, तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करता हूँ दोस्तों, ध्यान देना, 27 × 46, 6 7 ज़ा 42, 6 2 ज़ा 12, 12 4 16, देन 0 कैरी, 4 7 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28, 28 का 2, 4 2 ज़ा 8, 9 10, और प्लस करो 6 6 12 12 13 14, 1 और 1 कैरी 2, और ये आ गया 1 2 4 2। दोस्तों कितना आ गया 1 2 4 2, मतलब यहाँ लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम आर 1 2 4 2। दोस्तों समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा था। सबसे पहले हमें 15 रो का बोला था, तो हमने फार्मूला का टोटल पूछा है, तो हमने सम वाला फार्मूला यूज़ कर लिया दोस्तों, एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या दिया हुआ है, कारगिल टेम्परेचर वॉर रिकॉर्डेड इन ए वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मतलब कारगिल का टेम्परेचर मेजर किया गया है मंडे से लेकर सैटरडे तक। ऑल रीडिंग वेयर इन एपी, ऑल रीडिंग वेयर इन एपी मतलब कॉन्स्टेंट इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट कैसा होगा, कॉन्स्टेंट होगा कि दोनों में जो सब में जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूजडे एंड सैटरडे, एक हमें कंडीशन दिया हुआ है, मैं लिखूंगा तो बताऊंगा। इस टेम्परेचर ऑफ द वेनसडे वॉज -30 डिग्री सेल्सियस देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अदर 5 डेज, मतलब हमें मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हमें इसका दिया हुआ, हमें वेनसडे का दिया हुआ, हमें 1 2 3 4 5 ये 5 डेज का हमें क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर कितना होगा दोस्तों। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, कुछ इतना हार्ड जैसा कुछ भी नहीं है, हमें बस कंडीशन पे ध्यान देना है दोस्तों। सम ऑफ टेम्परेचर देखो यहाँ दिया हुआ है, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, मंडे और सैटरडे 5 डिग्री मोर, किससे 5 डिग्री मोर है, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूजडे एंड सैटरडे, ट्यूजडे एंड सैटरडे का टेम्परेचर मतलब कैसे दिया हुआ, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ तो आपको समझेगा। देखो दोस्तों इसके साथ ये भी दिया हुआ है, तो वेनसडे का, वेनसडे को ए दिया हुआ है, और वेनसडे का ऑलरेडी टेम्परेचर हमें दिया हुआ, तो ए इक्वल टू दोस्तों कितना आ जाएगा -30 डिग्री सेल्सियस, ए इक्वल टू -30 डिग्री, ए की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है क्योंकि वेनसडे का टेम्परेचर दिया हुआ, तो वेनसडे इक्वल टू ए है, तो ए इक्वल टू कितना है -30 डिग्री सेल्सियस, तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो चलो मैं लाइन वाइज पहले लिखता हूँ, तो कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो दोस्तों क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे के टेम्परेचर को सम कर रहा था, चलो करते हैं ए माइनस टू डी, और किसको सैटरडे क्या है हमारा, सम करना है दोनों को, ए प्लस थ्री डी कर दिया, सैटरडे 5 डिग्री मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूजडे एंड सैटरडे 5 डिग्री मोर, मतलब आपको पता है प्लस करना है, 5 डिग्री मोर मतलब प्लस करना है। तो चलो मैं उसको बाद में लास्ट में लिखूंगा, ट्यूजडे एंड सैटरडे को पहले सम कर लेता हूँ,
देखो लिखा है कि मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूजडे एंड सैटरडे. ट्यूजडे का क्या है, ए माइनस डी प्लस. सैटरडे का क्या है, सैटरडे का क्या है, ए प्लस 3D. ओके दोस्तों, और इसमें और 5 डिग्री मोर है, तो 5 डिग्री मोर मतलब यहाँ हम लिख देंगे 5. ओके, इसके साथ प्लस 5 और कर लेंगे. ध्यान देना हाँ, मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री मोर, तो 5 डिग्री मोर कर दिया. देन किससे, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूजडे एंड सैटरडे. तो ट्यूजडे एंड सैटरडे का दोनों का मैंने लिख, ट्यूजडे एंड सैटरडे, और 5 डिग्री उसमें क्या है मोर भी, इसलिए मैंने प्लस 5 भी कर दिया. अब दोस्तों ध्यान देना एकदम अच्छे से. अब अगर आप ध्यान दोगे यहाँ से तो एकदम सॉल्यूशन एकदम सिंपल हो चुका है, कुछ भी इसमें हार्ड जैसा नहीं है. अब देखो, ए प्लस डी इक्वल की इस साइड भी ए प्लस डी, इक्वल की उस साइड भी ए प्लस डी है, तो दोनों साइड से ए प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ए ए कैंसिल हो जाएगा, 3D क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. इक्वल की उस साइड है, मतलब अगर इस साइड लेके जाऊंगा तो प्लस ए क्या हो जाएगा, माइनस ए, तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा 3D. इस साइड लेके जाऊंगा तो प्लस 3D क्या हो जाएगा, माइनस 3D. तो इस तरह ए प्लस 3D और इक्वल की उस साइड, इक्वल के उस साइड के लिए दोनों का साइन सेम होना चाहिए दोस्तों, तो भी कैंसिल होगा. तो ए प्लस 3D कैंसिल हो गया. हमारे पास इस साइड क्या बचा, ए माइनस 2D, और इधर क्या बचा है, ये कैंसिल हो गया, ए माइनस डी, और आगे और उसके साथ में क्या बचा है दोस्तों, प्लस 5 बचा है. अब दोस्तों आप ध्यान दोगे ए पे, इस साइड भी इक्वल के इस साइड भी ए है, सेम साइन है, इक्वल उस साइड भी ए है, मतलब इक्वल के दोनों साइड सेम साइन वाला क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है. तो यहाँ बस दोस्तों क्या बचा, माइनस 2D माइनस डी प्लस 5 प्लस 5. ओके, अब माइनस डी इक्वल के इस साइड लेके आ जाओ दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा प्लस डी. अब प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस, तो हमारे ये बचेगा माइनस 2D प्लस डी, तो बचेगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस, क्योंकि माइनस 2D में से 2D में से 1D निकाला, 2D में से 1D निकाला, तो डी बचेगा, एंड बिगर साइन जो बिगर नंबर का साइन है वो माइनस का, इसलिए माइनस डी इक्वल टू 5. ओके दोस्तों, माइनस डी इक्वल टू 5. अब दोनों साइड मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँगा, क्योंकि वेरिएबल के साथ माइनस मुझे नहीं चाहिए रहता है, तो दोनों साइड से माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ लग जाएगा माइनस. ओके, दोनों साइड मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, यहाँ करके बताता हूँ. माइनस डी, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तो माइनस एक ही, मतलब जो माइनस मैंने मल्टीप्लाई किया वही है, तो इसलिए हो गया माइनस 5. या तो दोस्तों जैसे मैं हमेशा करता हूँ, वेरिएबल को आपको पता है, बड़े वेरिएबल को छोटे वेरिएबल के पास लेके आओ, तो ये माइनस डी था, तो माइनस डी माइनस 2D के कंपैरिजन में बड़ा था, क्या था, बड़ा था, माइनस 2D के कंपैरिजन में माइनस डी बड़ा था, माइनस डी, क्योंकि जितना ज़्यादा छोटा होता है नंबर उतना माइनस में बड़ा होता है, तो माइनस डी बड़ा था. अब इसको इधर लाते तो डायरेक्ट आपको ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ती ही नहीं दोस्तों. तो समझ में आया, ये माइनस 2D प्लस डी, माइनस 2D में से एक डी निकाला, 2D में से एक डी निकाला, तो डी बचा, और बिगर साइन का जो बड़े नंबर का साइन हो माइनस का है, इसलिए माइनस लगा दिया, और हमें वेरिएबल को माइनस नहीं चाहिए, दोनों साइड इसलिए मल्टीप्लाई किया माइनस है, इसलिए डी इक्वल टू, यहाँ माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ हो गया माइनस लग गया, तो डी इक्वल टू हमारा क्या हो गया, माइनस 5. और दोस्तों आगे हमें गिवन में ऐसा लिखा हुआ है, ये हमारा डी की वैल्यू आ गई, हमारी किसकी वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई. आगे हमें और क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑन वेनसडे का दोस्तों जो हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, वेनसडे का जो हमें टेम्परेचर दिया हुआ है वो कितना है, माइनस 30 डिग्री सेल्सियस. वेनसडे का टेम्परेचर देखो यहाँ लिखा है, टेम्परेचर ऑफ द वेनसडे हमें क्या है, माइनस 30 डिग्री सेल्सियस. तो आप देखोगे वेनसडे की वैल्यू को क्या लिया, ए लिया है, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 30 डिग्री सेल्सियस. ओके, वेनसडे को ए लिया और वेनसडे का टेम्परेचर हमें दिया हुआ, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 30 डिग्री, क्योंकि ए की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, ए इक्वल टू माइनस 30 डिग्री सेल्सियस. तो दोस्तों हमें मिल गया. अब हम ए और डी, देखो ए और डी दोनों की वैल्यू मिल गया, वो हर दिन का टेम्परेचर हम आराम से फाइंड कर सकते हैं. तो लिखेंगे टेम्परेचर ऑन रिमेनिंग 5 days is. ओके, टेम्परेचर ऑन रिमेनिंग 5 days is. तो सबसे पहले मंडे का दोस्तों क्या है, ए माइनस टू डी. ए की वैल्यू दोस्तों कितना है पहले बताओ, ए की वैल्यू है माइनस 30 माइनस 2. डी की वैल्यू कितना है दोस्तों, माइनस 5. क्या है, माइनस 5. तो दोस्तों ये टोटल कितना हो जाएगा, माइनस 30
माइनस माइनस प्लस, फाइव टू ज़ा टेन, फाइव टू ज़ा क्या है टेन, तो दोस्तों प्लस माइनस माइनस, थर्टी में से टेन गया ट्वेंटी और बिगर नंबर का साइन है माइनस का, तो ये हो जाएगा, इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस, ये मंडे को टेम्परेचर है। अब दोस्तों ट्यूजडे को क्या रहेगा, ट्यूजडे का हमारा क्या दिया, ए माइनस डी दिया हुआ, ए माइनस डी, तो ए क्या है हमारे लिए माइनस थर्टी, माइनस थर्टी और माइनस ये जो हाँ बीच में दिया हुआ, और डी दोस्तों कितना है माइनस फाइव, डी है हमारा माइनस फाइव। तो दोस्तों अब बस हो गया सिंपल, कैसे करेंगे, माइनस थर्टी माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, अब थर्टी प्लस माइनस माइनस, थर्टी माइनस फाइव हमारा बचेगा ट्वेंटी फाइव एंड बिगर नंबर का साइन है माइनस का, तो यह जगह ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस, ट्यूजडे को है माइनस ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस। अब दोस्तों ट्यूजडे का हो गया और हमें अब किसका फाइन करना, थर्सडे का, तो हम थर्सडे का भी फाइन कर लेते हैं। थर्सडे का हमें क्या लिखा हुआ, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए फिर से अगेन माइनस थर्टी, थर्टी है प्लस डी की वैल्यू कितनी है माइनस फाइव है। देखो आप दोस्तों प्लस में लिखा हुआ इसलिए मैं प्लस में लिख रहा हूँ, जैसा यहाँ लिखा हो उस तरह से लिखो, इसकी वैल्यू पता है तो प्लस, इसलिए मैंने यहाँ प्लस लिखा क्योंकि बीच में प्लस है। और डी कितना है दोस्तों, डी हमने निकाला था फाइव, तो ये कितना हो गया माइनस थर्टी प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा थर्टी फाइव, थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों ये भी आ गया। अब थर्सडे के बाद अब आ जाएंगे फ्राइडे, फ्राइडे में अगेन ए प्लस टू डी लिखा हुआ है, ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू हमारा माइनस थर्टी डिग्री प्लस टू, डी की वैल्यू कितना है माइनस फाइव, माइनस फाइव, तो दोस्तों ये टोटल कितना हो जाएगा माइनस थर्टी डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस माइनस, फाइव टू ज़ा टेन, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया बोलो, थर्टी टेन कितना हो गया फोर्टी डिग्री सेल्सियस एंड प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन, तो दोस्तों ये भी हो गया माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे का, सैटरडे के लिए क्या लिखा हुआ दोस्तों, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी, तो ए की अगेन वैल्यू हमारा माइनस थर्टी डिग्री है, बीच में क्या है प्लस, बीच में क्या है प्लस थ्री, डी जो दोस्तों कितना, डिफरेंस कितना है माइनस फाइव, डिफरेंस कितना है माइनस फाइव, तो दोस्तों कितना आ जाएगा माइनस थर्टी प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, फाइव थ्री ज़ा कितना फिफ्टीन, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस थर्टी वन, फोर्टी, फोर्टी और फाइव फोर्टी फाइव, तो माइनस फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस, माइनस फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों ये हो गया आपका मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, और वेनसडे का तो ऑलरेडी दिया था, तो टेम्परेचर ऑन द रिमेनिंग फाइव डेज, पहला हमारा 22 डिग्री सेल्सियस, दूसरा हमारा माइनस 25 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है हमारा थर्सडे के दिन माइनस 35 डिग्री सेल्सियस एंड फ्राइडे के दिन माइनस 40 डिग्री सेल्सियस एंड सैटरडे को माइनस 45 डिग्री सेल्सियस। सोचो इतने टेम्परेचर में हमारे आर्मी वाले वहाँ रहते हैं दोस्तों, तो सल्यूट करने लायक है। तो ये तो इस टेम्परेचर हमें एक सोल्यूशन के लिए दिया, सच में वहाँ ऐसा टेम्परेचर रहता है। ओके तो दोस्तों चलो चलते हैं इस लेसन का और इस एक्सरसाइज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज का और इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन, और दोस्तों इसी के साथ हमारा 50% पोर्शन अलजेब्रा का खत्म हो चुका रहेगा। आप सोचो हम एक भी दिन पीछे हटे नहीं, हम डेली आपको देते रह गए, डेली आपको क्वेश्चन मिल रहा है सॉल्यूशन के साथ, डेली हम सॉल्व करके दे रहे हैं और घर पे बैठ गया, और हमने हर क्वेश्चन सॉल्व किया, एक क्वेश्चन भी हमने छोड़ा नहीं है दोस्तों। तो ऑलरेडी अब हम आपसे बस यही प्रॉमिस चाहते हैं कि आप घर पे बैठ के पूरा स्टडी करें, पूरे क्वेश्चंस करें, अच्छे से मेहनत करें और पूरा फोकस बना के करें। तो दोस्तों इसके साथ ही हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ऑन द वर्ल्ड इन एनवायरमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वॉज अरेंज ऑन द लैंड विच इज ट्राइंगुलर इन शेप, ट्री आर प्लांटेड सच दैट इन द फर्स्ट रो दे आर इन वन ट्री, फर्स्ट रो में मतलब ए इक्वल टू वन हो गया, इन द सेकेंड रो दे आर टू ट्री, मतलब आप देखेंगे डिफरेंस आगे पढ़ते हैं, इन द थर्ड रो थ्री ट्री, थ्री ट्री है मतलब फर्स्ट रो में वन है, सेकंड में टू है एंड थर्ड में थ्री है, मतलब डिफरेंस डी इक्वल टू कितना आ जाएगा वन, क्योंकि डिफरेंस वन का है। सो ऑन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज,
तो टोटल 25 रोज में, टोटल मतलब हमें क्या करना है, सम करना है दोस्तों, टोटल ट्री फाइंड करना है कि टोटल 25 रोज में टोटल ट्री कितने हैं, फर्स्ट रो में दिया हुआ, सेकंड रो में दिया, थर्ड में दिया, तो फर्स्ट हमारा ए हो जाएगा, डी हमारा वन, डी भी हमारा वन हो जाएगा क्योंकि डिफरेंस, जो डिफरेंस हम फाइंड करते हैं सेकंड टू फर्स्ट माइनस करके, तो डिफरेंस कितना है, वन का ही डिफरेंस है ना दोस्तों। तो हम पहले जो गिवन दिया हुआ, गिवन हम लोग लिख लेते हैं, गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ दोस्तों, नंबर ऑफ ट्री, ट्रीज प्लांटेड इन फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो आपको पता है इक्वल टू ए हो जाएगा, और देयरफॉर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा वन। अब डी में डायरेक्ट लिखता हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट इंक्रीमेंट है, तो मैं लिखता हूँ कांस्टेंट इंक्रीज, कांस्टेंट क्या इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, फिर से मुझे बताओ फटाफट, कांस्टेंट इंक्रीज क्या हो रहा है, कांस्टेंट इंक्रीज इन अ ट्री, ट्री प्लांटेशन, तो क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट इंक्रीमेंट होता है उसको हम लोग डी लेते हैं, देयरफॉर डी इक्वल टू कितना हो जाएगा वन, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा वन। अब दोस्तों नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ रो क्योंकि इसको हमें एन लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ रोज कितना है एन इक्वल टू कितना है 25 रोज, 25 है दोस्तों, और हमें टोटल फाइंड करना है 25 रोज में टोटल कितना है, तो हम आगे क्या फाइंड कर, सम ऑफ 25 रोज, तो मतलब 25 रोज में टोटल ट्रीज कितने होंगे ये मुझे फाइंड करना है दोस्तों, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा लास्ट का क्वेश्चन बहुत सिंपल दिया हुआ है दोस्तों। तो मैं डायरेक्ट चलो फार्मूला लिख देता हूँ, एस एन एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ओके एस एन कितने रोज की बात कर रहे हैं हम, 25 रोज की बात कर रहे हैं, 25 अपॉन 2, ए कितना है वन दोस्तों, मैं फटाफट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एन दोस्तों कितना है 25 माइनस 1, डी दोस्तों कितना है वन, तो टोटल 25 अपॉन 2, 2 वन्स आर 2 प्लस 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24, एंड 24 वन्स आर 24 होगा, तो ये मत बोलना सर 24 ये टेंशन मत दे देना, 25 अपॉन 2, 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 26, कितना हो जाएगा 26, अब 20 इसको अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13, 25 इंटू 13, अब दोस्तों मेरे ख्याल से इसको आपको मल्टीप्लाई करने आता होगा, चलो मैं ये भी करके दिखा देता हूँ, चलो यहाँ 25 इतना मल्टीप्लाई किया है, तो ये मल्टीप्लाई करने में क्या है 13 फाइव 65, 13 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 13 2 16 सॉरी 13 2 26, 26 में अगर मैं ये और प्लस करूँगा, 26 में और ये प्लस करूँगा तो दोस्तों मेरा कितना होगा, मेरा हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32, तो दोस्तों ये कितना हो गया 325, कितना हो गया 325, और ये मेरा क्या है समेशन ऑफ सॉरी सम ऑफ 25 रोज, सम ऑफ 25 रोज, तो दोस्तों ये हमने निकाल लिया। देन फिर इसके बाद लिख देंगे लास्ट में वो द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स टू बी प्लांटेड इन 25 रोज इज 325, ओके दोस्तों। तो इसके साथ ही दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और ये हमने ये भी कर दिया, और इसके साथ ही दोस्तों हमारा ये लेसन भी कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ कमेंट्स तो बनता ही है दोस्तों, ये लेसन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं अभी हम क्या करते हैं, हम आगे का लेसन लेते हैं। मेरा टारगेट पहले क्या है, अलजेब्रा है कि साइंस है, क्योंकि साइंस वन अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया दोस्तों, तो आप टेंशन मत लो, सब टेंशन मेरे पे छोड़ दो, जितना हो रहा है आप उसको करते जाओ, जो भी लाऊंगा बहुत अच्छा लाऊंगा, बहुत मज़ेदार लाऊंगा, इसीलिए आप वेट करो, प्लस साथ में ये आप साथ में ये मेरे साथ ही ये पूरा कंप्लीट करते जाओ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।